विभाग है श्रम संसाधन विभाग। आज हम इसी विभाग के बारे में जानेंगे और इस विभाग की क्या योजनाएं हैं रोजगार संबंधी उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह। दीपक कुमार सिंह जी बिहार कौशल विकास मिशन के सीईओ भी हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि इस विषय पर हमारी बातचीत शुरू हो और कुछ दर्शक भी आपसे बात करेंगे, उनसे पहले हम खातिब होते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-3456-171, 1800-3456-171 पर आप सीधे सवाल कर सकते हैं कि आखिर युवाओं के लिए, आखिर जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए और बाकी जो पढ़कर अभी आ रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार की संभावना है, कहां कहां रोजगार मेला लगने वाला है, तुरंत इस बारे में विस्तार से दीपक जी से जानेंगे। दीपक जी, इससे पहले कि हमारे दर्शकों का फोन आए आपसे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विभाग है आपका, विभाग श्रम संसाधन विभाग, कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, किस तरह से उनकी उनकी जो मदद करने की सरकार की जो योजना होती है उसकी मदद मिलती है। श्रम संसाधन विभाग का एक निदेशालय है, नियोजन निदेशालय, जो रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम करता है। और इसमें हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि एक नेशनल कैरियर सर्विस एक पोर्टल है जिस पर जो लोग भी बेरोजगार हैं वो अपना ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। और हम समय समय पर हर जिला स्तर पे और प्रमंडल मुख्यालय स्तर पे हम रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। हर साल कम से कम हर जिले में एक बार हमारे रोजगार मेले का आयोजन होता है। और इसके अलावा जो भी प्रमंडल मुख्यालय हैं हमारे 9, इन प्रमंडल मुख्यालयों में भी हम एक बड़े स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, अभी फिलहाल कहीं मेला लगाने वाले हैं आप या लग गया? अभी कल से ही हमारा 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भागलपुर में हमारा एक बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जो इस विभिन्न प्रमंडल मुख्यालय में जब हम रोजगार मेला करते हैं तो हम उसे भारत सरकार के उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर करते हैं बड़े पैमाने पर, जिसमें न केवल रोजगार बल्कि उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप के लिए भी हायर करने के लिए कंपनियां आती हैं। और इसके अलावा हम युवाओं की काउंसलिंग भी करते हैं, उन्हें विभिन्न स्किल डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताते हैं। ये सभी कार्यक्रम और बैंक के माध्यम से जो स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उन्हें बैंक के माध्यम से क्या सुविधा मिल सकती है ये भी बैंक के स्टॉल के माध्यम से उन्हें बताया जाता है। तो कल ही 14 तारीख से हमारा भागलपुर में शुरू हो रहा है। तो जो भी हमारे युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, खासतौर पर 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग, वो इस रोजगार मेले में आ सकते हैं। रोजगार मेले में कौन कौन लोग आ सकते हैं, चाहे वो कितना पढ़े हों या ऐसी कोई शर्त है कि वही इस डिग्री वाले? सामान्य तौर पर रोजगार मेले में जो हायरिंग होती है उसमें कक्षा 10वीं पास और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनकी हायरिंग होती है। बहुत सारे ऐसी नौकरियां होती हैं जिसके लिए केवल कक्षा 10 पास करना या कक्षा 12 पास करने की ही अनिवार्यता होती है। और इसके अलावा जो भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं जैसे ITI का, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस मेले में रहती हैं। और अप्रेंटिसशिप की खास करके जैसे है, अभी हमारा कल से भागलपुर में जो शुरू हो रहा है उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए भी हमारे पास कम से कम 2500 ओपनिंग्स हैं। और ये मुख्य तौर पे जो ITI किए हुए हैं, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक इसमें, और इसके अलावा जो डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके लिए और इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर, ये सभी लोग इसमें आ सकते हैं। तो जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो स्किल्ड है उनको तो रोजगार की संभावनाएं ज्यादा रहती है, उनको रोजगार मिल जाता है। जो अनस्किल्ड है उनके लिए क्या संभावना है, विभाग कैसे उनकी मदद करता है? जो अनस्किल्ड हैं, एक तो हम लोग सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं भी लेबर डिपार्टमेंट का जो एक दूसरा विंग है बिहार कौशल विकास मिशन, उसके माध्यम से हम कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। एक मुख्य प्रोग्राम हमारा कुशल युवा कार्यक्रम है जिसके तहत अभी तक हम बिहार में पिछले 2 सालों में लगभग 4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है उन्हें कंप्यूटर का संवाद कौशल और व्यवहार कौशल की जानकारी देना, ताकि वो कभी भी किसी भी रोजगार में जाएं या स्वरोजगार में जाएं तो उसका फायदा उन्हें मिल सके। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की डोमेन स्किलिंग की जो योजनाएं हैं, हेल्थ सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, रिटेल सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, इन क्षेत्रों की योजनाएं भी हमारे यहाँ चलती रहती हैं। ये हमारा एक KYP लर्नर ऐप है
उस लर्नर ऐप को कोई भी डाउनलोड करके उसमें स्किल मित्र है एक टैब, उस स्किल मित्र के माध्यम से वे अपने नजदीकी केंद्र का भी पता लगा सकते हैं इसमें, और वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रोजगार होते हैं इन रोजगार मेला में जिसके लिए किसी विशिष्ट कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हाउसकीपिंग के हैं, रिटेल के हैं, ये सभी में केवल 10वीं या 12वीं पास है तो वो रोजगार की तलाश में आ सकते हैं। ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात जो आप करते हैं, कहाँ कैसे किस तरह से लोग उनसे जुड़े और किस किस तरह की स्किल डेवलपमेंट वो करा सकते हैं? जैसे कि हमने पहले बताया कि एक कुशल युवा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए है, युवाओं के लिए जो कम से कम 10वीं पास हों और 15 से 28 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र हो, ये उनके लिए है। इसके केंद्र हमारे प्रत्येक प्रखंड में हैं और हर प्रखंड में कम से कम एक केंद्र जरूर है, राज्य के सभी 534 प्रखंड में। वहाँ पर वो सबसे पहले उन्हें DRCC में अपना ऑनलाइन नामांकन कराया होता है, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर है और जिला स्तर पे, और उसके बाद वो किसी भी केंद्र पर अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कोर्स हैं इसको विभिन्न विभाग हमारे चलाते हैं, जैसे कि SC ST विभाग है, BC OBC विभाग है, माइनॉरिटी वेलफेयर है, IT डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इस तरह के लगभग 15 विभाग हैं जो अपने अपने उनके जो सेगमेंट हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाते हैं। तो आप जैसा हमने बताया कि वे अपने नज़दीकी केंद्र का पता करके उस स्किल मित्र के माध्यम से जो KYP लर्नर ऐप में है, KYP लर्नर ऐप आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें स्किल मित्र में अपने नज़दीकी केंद्र को ढूंढ सकते हैं और वहां जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, खासकर युवा जो रोजगार की तलाश में, वो ब्लॉक में जाके, प्रखंड में जाके पता कर सकते हैं, जिलाधिकारी कार्यालय